सफाई और जानकारी लेते हैं कि इनके हाथ में जो एक पोस्टर है उस पे इन्होंने लिखा है कि बोल की लव आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है उदास। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी जो आज जो इस प्रोग्राम में आए। सर, आज का जो ये इवेंट है, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है जो आपने ये हाथ में पोस्टर लिया है? हम यही कह रहे हैं कि जैसे अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे, ये जो लंकेश, गौरी लंकेश को मारा गया है जिस तरीके से मारा गया है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सर, क्या कारण है कि गौरी लंकेश को इस तरीके से इन्होंने मारा था? क्या इनकी मन इच्छा थी या जो हम लंबे पीछे से कुछ समय से देख रहे हैं कि जो अपनी आवाज़ को उठाने की जो बात है, गौरी लंकेश लगातार हिंदुत्व के खिलाफ में बोलती रही, तो वो जो बात है कि अपनी बात को रखे, ये अभिव्यक्ति जो ख़त्म हो रही है, मेरे ख्याल से लगता है कि यही एक कारण रहा जो वो बेपाक होकर बोलती थी, यही एक कारण रहा उसको उनके मारने का। जो भी समाज की ऐसे बात उठाएगा उसी को इस तरीके से आपका मानना है कि उनको रोकने की कोशिश की जाती है? ये श्रृंखला चली आ रही है, चाहे दाभोलकर हो, चाहे पंसारे हो, चाहे गुलबर्गी हो, और उसमें एक और नया नाम है।